अगर आप भी चाय के साथ वही पुराने नमकीन खाकर बोर हो गए हैं तो आपको भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो आशा स्पाइसेस आज शेयर कर रही हूँ स्टफ्ड चीजी मशरूम की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाने में भी आसान है। आप इसे पार्टी एपेटाइज़र के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सबों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी क्विक रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 12 से 15 मशरूम, जिसको अच्छी तरह से धो लिया है और टॉवल से ड्राई कर लिया है। इसके बाद एक नाइफ़ की हेल्प से इसके नीचे वाले पार्ट को हम काट लेंगे और अंदर से हम एक स्पून की हेल्प से इसको खुरच कर इसके अंदर का जो पार्ट्स है ना उसको निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे मशरूम्स को इसी तरह अंदर से खाली कर लेंगे और जो अंदर का पार्ट्स हमने बाहर निकाल कर रखा है उसको हम एक नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर एक पैन लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, एक चम्मच बटर डालते हैं और इसमें डाल देते हैं 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। कुछ सेकंड सॉटे करते हैं और जो मशरूम्स को हमने चॉप करके रखा था वो डाल देते हैं। अब ऐड करते हैं 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो। अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 बड़े चम्मच के लगभग कॉर्न, 2 बड़े चम्मच के लगभग बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और इन सबको 1 मिनट तक भून लेते हैं, जब तक कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच के लगभग बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और 1 क्यूब चीज़ का। किसी भी टाइप के चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मैंने प्रोसेस चीज़ के क्यूब को ग्रेट कर लिया है। और फाइनली थोड़ा सा और ग्रेटेड चीज़ डालकर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेते हैं और ये फिलिंग बनकर तैयार हो गई। और अब इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे और अब ले लेंगे जो मशरूम सामने खाली करके रखे थे उसे और इसके अंदर जो स्टफिंग तैयार करके रखी है वो इसमें हम भर देंगे। तो आप इसे तवे पे भी बेक कर सकते हैं, मैं बेकिंग ट्रे का यूज़ कर रही हूँ। इसको हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं बटर के साथ और इसमें जो स्टफिंग वाले जो मशरूम हैं वो रख दिया है और ऊपर से ग्रेट किए हुए चीज़ डाल दिए हैं और हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो। तो ये बेकिंग के लिए तैयार है। इसको 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में डाल देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए, जब तक कि मशरूम्स भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद इसको निकालते हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। सर्व करेंगे इसको बिल्कुल गर्मा गर्म, जिसके लिए मैं एक प्लेटिंग की टेक्निक भी आपसे शेयर करूँगी। इसके लिए एक प्लेट में हम ले लेते हैं 1 चम्मच टमाटो सॉस बीच में डाल देते हैं और फिर 1 चम्मच बीटरूट का जूस और इसको स्पून से ही ज़ोर से प्रेस कर देते हैं जिससे कि ये पूरे प्लेट में स्प्रेड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर रख देते हैं जो स्टफ मशरूम हमने तैयार करके रखे थे, इसे बारीक कटे हुए धनिया पत्तों के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं और स्टफ चीज़ी मशरूम बनकर बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सबों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट फीडबैक में देते रहें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।